हेलो जी अस्सलाम वालेकुम होपफुली आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं मज़े में हैं और यहाँ पर आज मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े वाला हुआ वा था और जो धूप निकली थी ना कुछ दिन और ऐसा लग रहा था ना कि सर्दियाँ बस जा रही हैं सर्दियों को अलविदा करने का टाइम आ गया तो आज वो ग़लत फहमी दूर हो गई है गलत फहमी किस तरह से दूर हुई है कि जनाब कल से बारिश मुसलसल हो रही थी यहाँ पे और दोबारा से जो है ना ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया तो मैं यहाँ पर बना रही थी नाश्ता अपने लिए और मामा के लिए तो बस नाश्ता की तैयारी हो रही है तो यहाँ पर अबूजर भी जो है हमारे साथ पराठा ही खाएगा देसी वाला पराठा कड़ी का सालन गर्म करेंगे कड़ी हमने बनाई थी और कड़ी का ऐसा सीन है कि जब जब पुरानी होती जाए ना इसका मज़ा दुबाला हो जाता है और यहाँ पर जो है देसी घी वो था फुल जमा हुआ और मैं कोशिश कर रही थी इसको पिघलाने की तो लेकिन है फिर मैंने सोचा कि जितनी देर मैंने इसको पिघलाने में लगानी है ना मैं इसी तरह से पराठा बना लेती हूँ इस तरह से लगाने का बस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि पराठे का ना ख़राब होने का मतलब कि फटने का थोड़ा सा खदशा होता है और वाइस ओवर जैसे ही स्टार्ट करती हूँ ना तो पीछे से मिठ्ठू जो है ना वो आडे लगा लेता है उसको पता नहीं क्या मसला है क्यों हर वक्त उसने टें टें अपनी लगाई होती है तो खैर यहाँ पर अबू जर जनाब अभी नीचे था और मैं ऊपर नाश्ता बना रही थी उसको मैं मामा के पास छोड़ के आई थी कि आप इसको देखिए मैं नाश्ता बना के लाती हूँ क्योंकि अभी मामा से ज़्यादा काम नहीं होता अभी उनका जो ऑपरेट हुआ हुआ है ज़ख़म उनका कच्चा है तो बेहतर यही है कि वो जितना हो सकता है जितना टाइम हो सकता है रेस्ट कर लें परहेज़ कर लें ताकि ज़ख़म जो है न वो अच्छे से ठीक हो जाए और फिर बाद में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो छोटी सिस्टर मेरी जो है वो सफाइयाँ वगैरह कर रही थी मैंने उसको बोला कि तुम जो है ना सारे काम निपटा लो और मैं जो है ना नाश्ता जल्दी से बना लेती हूँ इस तरह से हम दोनों मिल के न काम शाम अपने ख़त्म कर लेते हैं और दोनों मिल के जो है ना आजकल हम घर को देख रहे हैं कि ये मामा को मौका दिया हुआ है हमने कि आप रेस्ट कर लें सुख ले लें आप अपनी बेटियों का जो हमने पहले इनको कभी नहीं दिया बारिश की वजह से वो भी कॉलेज नहीं गई थी वरना कॉलेज चले जाती है तो फिर जो थोड़े बहुत काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ वरना वो जब आती है जो रह जाते हैं वो फिर आके कर लेती है लेकिन मेरे इतने काम होते नहीं हैं तो जितना जो है ना होता है तो मुझसे मैं कर लेती हूँ लेकिन फिर भी मामा जो है ना वो चैन नहीं करती हैं एक से बेशक वो मेरे साथ काम जो है ना वो करवाती रहती हैं थोड़े बहुत जो कहते हैं ना कि काम करने वाली बीबियाँ होती हैं ना उनको बेड पर सुकून नहीं मिलता कॉलेज से भी उसने महीना डेढ़ छुट्टियाँ की हैं लेकिन अब मैं आई हुई हूँ तो मैंने उसे कहा था कि जितने दिन मैं यहाँ पे हूँ ना तुम चली जाओ कॉलेज तो यहाँ पर जनाब मौसम आप चेक करें कितना मज़े का इतनी ठंडी हवा थी ना कि दोबारा ऐसा लग रहा था कि जनवरी वाली जो सर्दी है ना जनवरी वाली वो वापस आ गई है ठंडे या हाँ खाद पंग हो रहे थे इस ठंडी हवा में और यहाँ पर मेरा मोबाइल भी गिर गया था लेकिन वो वाला जो क्लिप है ना वो मैंने काट दिया था क्योंकि उसमें मेरी शक्ल भी नज़र आ रही थी मोबाइल उठाते हुए तो, तो खैर यहाँ पर मोबाइल गिर गया था और सामने ये हवेली है आपको मैंने पहले भी बताया होगा ये अंकल पप्पू की हवेली है यहाँ पे उनकी गाय वैसे बंदी होती हैं और जो कि आज ज़ाहिर बारिश थी तो उन्होंने उनको अंदर बंद किया हुआ था यहाँ पर जनाब फिर शाम हो गई थी और बिरयानी की तैयारी हो रही है मामा बरयानी बना रही थी और मैं वीडियो बना रही थी क्योंकि मैं तो आजकल व्लागर बनी हुई हूँ ना आज नहीं थोड़ी पुरानी हो गई हूँ लेकिन मैं वीडियो बना रही थी और वो बिरयानी बना रही थी उनके पास खड़ी थी उनको प्याज वगैरह काट दिए थे जो चीज़ें उनको चाहिए होती थी वो उनको दे देती दे थी अबूसर जिन आप सकून से, से बैठता नहीं है वो कभी मामू के पास कभी नाना अबू के पास कभी बिल्ली के साथ कभी तोतों के साथ उसको जो है ना अच्छी खासी एक्टिविटी मिली हुई है तो वो बस इन्हीं कामों में जो है ना आजकल मसरूफ़ रहता है इसलिए मेरी वीडियोज़ में भी आपको जो है ना कम कम नज़र आ रहा है लेकिन मैं शुक्र करती हूँ कि यहाँ आके ना उस, उसका मोबाइल देखना मोबाइल पकड़ना बिल्कुल जो है ना वो ख़त्म हो जाता है यहाँ पे ये एक्टिविटी मोबाइल वाली उसको नहीं मिलती ना उसको कोई देता है यहाँ पे मोबाइल वो जो है ना बिल्लियों के साथ तोतों के साथ ही खेलता रहता है और पीछे जो है ना पापा बोल रहे हैं नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं शायद उनका जो है ना उनकी आवाज़ आ रही है आपको यहाँ पर बिरयानी हमारी जनाब रेडी है बस अब इसको दम लगाएंगे और बिरयानी बनाते हुए सबसे जो फेवरेट पार्ट है ना बिरयानी का वो मेरा ये होता है कि उसको लगाना उसको दम पे रखना ये सबसे मज़े का काम होता है और जिसमें बिरयानी का मसाला रेडी किया होता है ना उसमें वाइट चावल थोड़े से डाल के वो खाना ये फेवरेट पार्ट है पूरा मेरा बिरयानी बनाते वक्त इतना मुझे गुस्सा आता ना कभी कभी कि मैं अपना ट्राईपाउट क्यों भूल के आई हूँ ट्राईपाउट के बगैर वीडियो बनाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ट्राईपोर्ट पर चलो बंदा कैमरा सेट करके बना लेता है तो लेकिन इस तरह से जो है ना वही लोग बना सकते हैं जिन्होंने अपना फ़ेस शो करवाना हो या आम जैसी वीडियोस बनती हैं वैसी बनानी हो लेकिन मेरे एंगल जो है ना इस तरह से वो ख़राब हो गए सारे विदाउट ट्राईपोर्ट क्योंकि मैंने तो अपना फ़ेस नहीं शो करवाना होता मैंने अपने एंगल्स की वीडियोज़ लेनी होती है कि कुकिंग किस तरह से हो रही है क्लिनिंग किस तरह से हो रही है बच्चे किस तरह से खेल रहे हैं तो फिर मैं ट्राईपोर्ट पे लगा के तो ज़्यादातर वीडियो बनाती हूँ लेकिन हैर कोई बात नहीं ज़िंदगी के ये छोटे छोटे मसले हैं साथ साथ चलते रहते हैं बिरयानी देख के दोबारा से बिरयानी खाने को दिल करने लग गया लेकिन हैर ये हमने कल बनाई थी आज तो हमने दाल चावल बनाए हैं और यहाँ पर हम जो है ना तकरीबन डेली रात को चावल खाते हैं दिन में हमने खाने होते पराठे रोटी और यहाँ पर जो है ना चावल डेली बनते हैं मुल्तान वाले ज़्यादा रोटी खाते हैं सियालकोट वाले ज़्यादा चावल खाते हैं मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप इतने चावल खाते हैं फिर भी आप लोग मोटे नहीं होते मोटे होने का चावलों से मैं कहती हूँ क्या ताल्लुक़ है जिन्होंने मोटा होना ना उनको पानी भी लग जाता है और जिन्होंने नहीं ना हो वो जितने मर्ज़ी चावल खा लें उनको चावलों ने कुछ नहीं कहना होता तो ये जो है ना अपनी अपनी बॉडी का हिसाब होता है इसलिए मैं ये नहीं सोचती कि अगर मोटा होना है तो चावल खा के हो जाएंगे पराठे खा के हो जाएंगे जिन्होंने होना है वो बेचारे ऐसे ही हो जाते हैं जिन्होंने नहीं होना वो मेरी तरह जितना मर्ज़ी खा लें तो वह नहीं होते लेकिन मैं जितना मर्ज़ी नहीं खाती मैं हमेशा भूख रख के खाती हूँ ये भी मेरा एक जो आप कह सकते हैं कि असूल है कि मैं कभी भी अन्यवा नहीं खाती हमेशा भूख रख के खाती हूँ खाना और यही जो है ना सुन्नत भी है कि जब भी खाना खाएं भूख रख के खाएं इससे जो है ना आपका स्टमक भी अपसेट नहीं होता आप बीमार भी नहीं पड़ते ओवर ईट करके ओवर ईट मतलब कि ओवर ईटिंग से तो बस जनाब ये थी हमारी आज की वीडियो होपफुली आपको अच्छी लगेगी इन फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वी अपना ख्याल रखें हमारी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें मामा के लिए भी दुआ कर दें कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं ओके जी टेक केयर बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़